परिचय श्रेया एक चिकित्सक है वह दस लंबे सालों के बाद भारत लौट रही है हवाई अड्डे से घर लौटते वक्त वह कई स्थानों पर अत्यधिक भरे हुए बदबूदार और बीमारियां फैलाते हुए कूड़ेदान देखकर दुखी हो गई है उसने तय किया कि वह इस मामले को अगले दिन नगर निगम के सामने रखेगी इस पाठ में हम स्थानीय सरकारी निकायों और उनके प्रकारियों के बारे में पढ़ेंगे आओ सीखें स्थानीय निकायों को परिभाषित करना नगर निगम और नगर समिति के प्रकारों को बताना स्थानीय संस्थाओं के आय के स्रोत बताना नगर समिति नगर समिति कस्बों और शहरों में लोगों की जरूरत और हित का ख्याल रखती है नगर निगम महानगरों में लोगों के हित के लिए काम करते हैं स्थानीय निकायों के सदस्य नगर समिति और नगर निगम को स्थानीय निकाय कहते हैं किसी कस्बे या शहर के नगर समिति या नगर निगम के सदस्यों का चुनाव वहां की जनता करती है 18 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों और महिलाओं को नगर पालिका चुनावों में वोट डालने का अधिकार है नगर समिति या नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपना अध्यक्ष चुनते हैं बड़े शहरों में अध्यक्ष को मेयर कहते हैं वह नगर समिति या निगम का प्रधान होता है नगर समिति और निगम के प्रकार नगर समिति और निगम देखते हैं सड़कों का रखरखाव, पार्क और उद्यान का रखरखाव, अपशिष्ट का निस्तारण जल निकासी लोगों को पीने लायक पानी का वितरण गलियों में प्रकाश अस्पताल दवाखाना और स्वास्थ्य केंद्र खोलना प्राथमिक विद्यालय खोलना स्थानीय निकायों के आय का स्रोत स्थानीय निकाय सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य से धन प्राप्त करते हैं राज्य सरकार इसके बदले अपने नागरिकों से धन कर के रूप में प्राप्त करती है जो कि संपत्ति कर सड़क कर और चुंगी के रूप में होता है हमने क्या चर्चा की नगर समिति और निगम कस्बों और शहरों में लोगों की जरूरत और हित का ख्याल रखती है नगर समिति या निगम के सदस्य उस कस्बे और शहर की जनता द्वारा चुने जाते हैं मेयर समिति या निगम का प्रधान होता है नगर समिति और निगम विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने राज्य से धन लेती हैं और बदले में राज्य सरकार जनता से करों के माध्यम से इस धन को इकट्ठा करती हैं।